नमस्कार, मैं हूं डीएसके और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। बात करते हैं बिग बॉस मराठी के इस नवीनतम एपिसोड की, जिसमें नवीनता के नाम पर कुछ नहीं था, पुरानी घटनाओं का यहां पर पुनरावृत्ति हो रही थी, यानी कि रिपीट टेलीकास्ट हो रहा था पिछले कई हफ्तों में हुई बातों का, जैसे कि शिवानी नेहा का रूठना मनाना, वीना और शिव का वापस से एक साथ आ जाना और बेख्याली में तेरा ही ख्याल आए। हाँ, कई लोगों को लग सकता है भाई ये गाना तो बाद में रिलीज हुआ होगा, यू नो बिग बॉस तो काफी पहले से चल रहा है। भाई बिग बॉस आई थिंक 26-27 मई के आसपास स्टार्ट हुआ था और ये गाना 24 मई को और उसके काफी पहले से वैसे यूट्यूब पर चल रहा था। तो शिव ने यहाँ पर वीना के लिए वही गाना वाना गाना शुरू करना, और वीना जैसे कि यू नो मैं पहले भी कहता था, वीना की थोड़ी तारीफ होती है, थोड़ा इंपॉर्टेंस मिलता है, लड़की में घमंड आ जाता है। इस एपिसोड में मैंने शिव के मुंह से एक बात सुनी जब वो वीना को मना रहा था कि महेश जी ने बोला ना तू उनकी फेवरेट है, तो अब ये शायद सीन मैंने मिस कर दिया है या क्या कि वीना उनकी फेवरेट, वो तो हमने यू नो लास्ट टू लास्ट वीक देखा भी था, वो चुगली बॉक्स में बोली थी कि मैं आपकी इकलौती फेवरेट होना मांगता है मेरे को। तो अब महेश जी ने तो कल तो मैंने देखा था झाड़ा था, अब इसकी तारीफ इसको फेवरेट कब बोला मैंने तो देखा नहीं, लेकिन शिव के मुंह से सुना कि महेश जी ने बोला ना तो उनकी फेवरेट है। तो क्या है ना भैया कि जैसे कुत्ते को घी हजम नहीं होता है, इन मैडम को तारीफ हजम नहीं होती, और ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि जब जब मैंने तारीफ करी वीना की या शिव की, उसके नेक्स्ट डे और नेक्स्ट एपिसोड में मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होना पड़ा, और इस एपिसोड में तो शिव ने इतना जबरदस्त डिसअपॉइंट किया है। भैया बेस्ट परफॉर्मर बनाया गया तुमको, तुमने पिछले वीक बहुत तारीफ के काम करे, तुमने अपने फैंस को बहुत गर्वित होने का मौका दिया और अब तुम्हारे जितने भी फैंस है वो तुम्हें ट्रॉफी जीतता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन जब तुम खुद ही अपने आप को टॉप टू में नहीं रखना चाहते हो, तुम्हारे टॉप टू में तुम्हारे दादा और तुम्हारे वीनी है, तो फिर तुम वहां क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? क्रिसमस, निकालो बैग और आ जाओ बाहर। आप टॉप नहीं फाड़ोगे क्योंकि आप विनी का ट्रस्ट जीतना चाहते हो, आप टॉप टू में खुद को रखना नहीं चाहते हो, तो आपके जो फैंस हैं जो कि आपके लिए यू नो ट्रेंड कर रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं या लोग आपके अंदर एक विनिंग क्वालिटी देख रहे हैं, तो अगर आपको ऐसे ही गिव अप करना है और यू नो आप खुद को टॉप टू में नहीं रख रहे हो, तो अब आपको लग रहा होगा कि आप ऐसे करके दिल जीत लोगे लोगों के, लेकिन ऐसा होता ना भाई कि दिल जीतना और खुद को बेवकूफ साबित करना दोनों चीजों में ना एकदम सिर के बाल के बराबर बहुत ही बारीक से डिफरेंस होता है। आप देखो एक तरफ केलकर, वो आपको अपना भाई मानता है, उसने अपने टॉप टू में आपको रखा भी लेकिन खुद को भी रखा, लेकिन तुमने तो भैया वीनी और दादा, मतलब तुम क्या कर रहे हो फिर वहां पर? तो भैया ऐसा है कि शिव फैंस को बहुत बुरा लग सकता है, लेकिन शिव ने बहुत ही मीनो अव्वल नंबर का चुतियापा किया है यहाँ, मैं तो ये बात क्लियरली बोलना चाहूंगा, बहुत ही ज्यादा फिर से वो खुद को इमोशनल फूल साबित करना चाहता है या क्या करना चाहता है, क्योंकि इस एपिसोड में शिव मुझे बहुत नेगेटिव दिखा है। वो बर्तन धोने का जब बोला गया था शिवानी ने, और वीना ने थोड़ा सा चने के झाड़ पर चढ़ा क्या दिया, शिव ने तो मतलब यू नो मैं टास्क के बात करूंगा, ये करूंगा, बात बगू करूंगा, मतलब छोटी सी बात पे कितना लंबा आर्ग्यूमेंट आपने देखा। तो यू नो इस एपिसोड में ऐसे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट वाले कही है, बातें कही है, पूरे एपिसोड में कुछ नहीं था। इस एपिसोड का रिव्यू आई थिंक कितना बोलूंगा यार मैं, 7-8 मिनट से ज्यादा तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा क्योंकि कुछ है ही नहीं। माधव के जाने के बाद नेहा शिवानी रोना धोना, एक दूसरे पे ब्लेम गेम करना, फिर हक करना, हक करने से मना करना, फिर बिस्तर में जाके हक करना, फिर रोना धोना दुनिया भर का, एक दूसरे पे ब्लेम गेम की तेरी वजह से। देखो भैया ऐसा है, जब ये शिवानी आई थी मैंने उसी टाइम कहा था कि शिवानी को एक प्रॉपर फीडबैक देना चाहिए अपने दोस्तों को कि बाहर तुम कैसे दिख रहे हो, लेकिन शिवानी ने माधव को चने के झाड़ पर चढ़ा दिया था। उसने माधव को बोला था तू बोल, तो माधव क्या बोले? माधव ने आपने देखा ही उस वीक हीना के खिलाफ बहुत बड़बड़ किया। माधव को प्रॉपर फीडबैक ना होस्ट ने दिया ना शिवानी ने दिया, और यहाँ नेहा तो रोने में थी सही, वो सेंचुरी पूरी करेगी, अभी माई तेरा सेंचुरी पूरी करेगा, बाप का दादा का भाई का सबका स्कोर मैं बनाएगा, अब फाइनल में आप जाओगी या ना जाओगी ये तो खैर समय बताएगा। तो यहाँ हीना ने थोड़ा बहुत समझाने में जाने की कोशिश की। हाँ एक चीज और मुझे अच्छी लगी, जो वकील साहिबा थी शिवानी की, उनको शायद फीडबैक का असर क्या है कि वो हर जगह जा रही हैं और यू नो सबके साथ मिला भेटी करके कहीं ना कहीं कैमरे में अच्छी दिखने की एक एफर्ट करना शुरू कर रही हैं, क्योंकि नया दिन नई शुरुआत नया वीक, और इस नई वीक में घर में प्रवेश हुआ, घर में एक बहुत ही जूने डे वन से आए हुए कंटेस्टेंट AB अभिजीत बिचुकले इज बैक। एक बार जो कमिटमेंट मैं करता हूँ उसके बाद में मेरे खुदा की भी नहीं सुनता, मतलब डायलॉग को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया और गाने वाने गाते पाते आ गए बिचुकले साहब अंदर। बाय द वे बिचुकले साहब एक मेहमान के रूप में आए हैं यहाँ, फिर वही एक रिपीट टेलीकास्ट। शिवानी आई थी उसे भी मेहमान के तौर पर
बिग बॉस ने कन्फेस शुरू में बोला था, तो मेहमानों आगे चल के कंटेस्टेंट बना दिए, तो वही रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है। एक चीज आपने देखी होगी, बिचुकले साहब की नाम की पट्टी तो कुछ दिन पहले हमने देखी थी ड्यूरिंग वो जो मर्डर मिस्ट्री टास्क में, जब वो शिवानी जाती है माधव का जो नेम पट्टी रहती है उसके ऊपर वो काले पोत ने, तो हमने देखा था बिचुकले साहब की पट्टी। अभी बिचुकले साहब फिर से पट्टी लेकर के आ गए, तो यही बिग बॉस की टीम है, इन्हें समझते क्या है कि पब्लिक बेवकूफ है, बस उनको यही करना है कि मैं री एंट्री कर रहा हूँ फिर से पट्टी लगा रहा हूँ, अरे तुमने खुद ने निकाल के दे दी होगी बाहर। एनीवे बिचुकले साहब मेहमान है और घर में किसी को इस बारे में पता नहीं, लेकिन एक चीज आपने देखी होगी शिवानी को अक्सर नेगेटिव वाइब्स आती हैं, नेगेटिव वाइब्स आती हैं ऐसा बोलती है वीना, लेकिन इस एपिसोड में वीना भर भर कर नेगेटिव वाइब्स दे रही थी, आपने देखा ही होगा। बिचुकले साहब आए, सबने हगवा किया, शिवानी ने हगवा किया, वीना ने दूर से नमस्ते कर लिया, क्यों? क्योंकि बिचुकले साहब हाइजीनिक नहीं है भैया, है बिचुकले साहब यू नो टॉयलेट वगैरह जाके हाथ नहीं धोते हैं, लेकिन वीना जो है वो कमोड वगैरह साफ करती है, सब करती है, और वो तो हाथ माथ क्या मतलब डायरेक्ट वट लेती है, लेकिन अनहाइजीनिक बिचुकले है। बिचुकले के आने के बाद आपने देखा थोड़ा इमोशनल सीन इधर चल रहा था, इधर ये लोग हंसी ठट्टा कर रहे थे, तो दैट लुक्स एब्सोल्युटली थर्ड क्लास पैथेटिक। और इस एपिसोड में वीना की वजह से शिव बहुत ज्यादा घटिया दिखाई दिया है मुझे। एंड बाकी तो और क्या हुआ, वो टास्क हुई टॉप टू और बॉटम टू कौन, जिसमें बिग बॉस ने ट्विस्ट डाल दिया था, कैप्टनसी की कंटेंडरशिप में पहुंच गया अभिजीत केलकर, यहां मुझे शिव ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया भैया, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया, तुम फिर से वही दो वीक पुराने शिव बन गए जो कि आगे पीछे घूम रहे हो वीनी के, वीनी जाएगी टॉप टू में तो तुम क्या वहां भजिया तलने या मंजीरे बजाने के लिए बैठे हो। यहाँ एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, ये जो टास्क चल रही थी शायद आपने ध्यान दिया होगा, माधव ने सेव किया है नेहा को, तो नेहा इस टास्क में हिस्सा नहीं है, बिचुकले घर में आया है तो वो भी टास्क का हिस्सा नहीं है, बिचुकले साइड में चुपचाप बैठा है, लेकिन नेहा जो कि खुद चिट्ठी पढ़ रही है कि नेहा और बिचुकले इस टास्क में भाग नहीं लेंगे, ठीक है, लेकिन नेहा तो आर्ग्यूमेंट पे आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं उसके हीना से, और बढ़ चढ़कर टास्क में पार्टिसिपेट कर रही है, यार ये तो मेरे को समझ ही नहीं आया। बिचुकले का स्पेसिफिक मेंशन था नेहा के साथ, बिचुकले अपने चुप बैठा सुमड़ी में, लेकिन व्हाट आर यू डूइंग नेहा जी, आपने खुद पर्ची पढ़ी और खुद भूल गई आप कि आप इस टास्क में सम्मिलित नहीं हो सकते। अब ठीक है बाद में बिग बॉस ने अनाउंस करने का जो बोला वो बोला, लेकिन आपको क्या करना है, वो किसका नाम कैसे ले रहे क्या ले रहे, आप बैठो ना अपने चुपचाप। एनीवे अब देखते हैं कि केलकर और आरओ में से कौन बनेगा कप्तान, खबर तो आ गई है केलकर बन गया फिर से, मतलब तात्या बिच्छू फिर से कप्तान बन गया। देखिए ऐसा है ये घर वाले ना तात्या बिच्छू की एक बात तो है तारीफ करनी पड़ेगी, बंदा फोकस्ड है, वो अपने को सबसे प्रायोरिटी खुद को रखता है, और ये घर वालों की बेवकूफियों का फायदा इसको मिल रहा है। पिछले वीक से कई वीक से हम देखते आ रहे घर वाले एक प्लानिंग करते ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं, एक ठीक से प्लान कोई करता ही नहीं है, और इन लोगों की खामियों का फायदा तात्या बिच्छू जैसे लोगों को हो रहा है जो कि सेव हो जाते हैं नॉमिनेशन में और कैप्टन बन जाते हैं, और फिर से नॉमिनेशन में जाएंगे नहीं, घर वाले नाम देंगे नहीं, एक दूसरे को काटने में लगे रहेंगे। तो इस एपिसोड में और कुछ खास हुआ नहीं, पूरे एपिसोड में पकाया गया, बर्तन वर्तन घिसने के नाम पे आर्गुमेंट दुनिया भर के, शिवानी से नेगेटिव वाइब आती है सब बोलने वाली वीना इस एपिसोड में भर भर कर नेगेटिव वाइब, एरोगेंट घमंड उसका पूरे एपिसोड में जबरदस्त तरीके से दिखाई दिया। इस एपिसोड में जिक्र करने लायक बातें और कुछ खास थी नहीं, सो इस वीडियो को यहीं खत्म कर देता हूं। आप कमेंट कीजिएगा आपके एपिसोड के बारे में, शिव के बिहेवियर के बारे में, वीना के घमंड के बारे में, और बिचुकले जो कि मेहमान के रूप में आए हैं कुछ दिन बाद उनको भी कंटेस्टेंट बना दिया जाएगा, देखते हैं। एक बात और है, जब ये बिचुकले को बिग बॉस ने अंदर बुलाया तो आपने देखा कैसे वीना और ये सब बाय बाय करने लग गए थे, मतलब इसको फिर से बटा देंगे, तो वीना का एटीट्यूड बहुत ज्यादा घमंडी इस एपिसोड में मुझे दिखाई दिया। आपका क्या कहना है आप भी कमेंट करके बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना डीएसके टॉक्स। आपने समय निकाला वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।